नमस्कार, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को मालूम है कि हमने सीपी नेट एग्जाम 2022 को टारगेट रखते हुए न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है बायोलॉजी का, न्यू बैच जिसका नाम है विजयी भाव। विजयी का मतलब आप सभी को मालूम होगा, इस बैच में आपको बहुत ही धुआंधार तरीके से बायोलॉजी की तैयारी कराई जाएगी। बायोलॉजी में जो भी चैप्टर्स आपके इम्पोर्टेंट है वो सभी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे इसी क्लास में। तो आप लोग मेरे साथ लगातार बने रहिएगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक ये आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेगी, यदि आप अपना सपोर्ट और प्यार इसी प्रकार से दिखाते रहे। तो जैसा कि हमने आपसे कल बोला हुआ था, कल हमने एक वीडियो डाली हुई थी लाइव, उसमें हमने आपको बताया हुआ, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके हमसे पूछते हैं कि मैम प्लीज बताइए फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है, उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसी वीडियो के, उस वीडियो को देखें और फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी भी आज से ही शुरू कर दें। फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी भी करना आज से शुरू कर दें। यदि आप सीपी नेट एग्जाम 2022 या आरयूएचएस या अन्य कोई मेडिकल एग्जाम, एम्स, बीएससी, नर्सिंग जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आज से ही क्लास स्टार्ट हो रही है और आज से ही आपको शुरू भी करना है पढ़ना। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको चीजों को लगभग 10 बार रिवाइज करना है। 10 बार या चीजों को आप रिवाइज कर लेते हो, गारंटी हम लेते हैं 100% आप एग्जाम को निकालोगे और जो सीट चाहते हो सीपी नेट या सेफी पैरामेडिकल है वो सीट आपको मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू जुड़े हुए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लेना और आज की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे हमको भी हमारा मन लगे पढ़ाने में आपको और मुझे एनर्जी मिले। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जिससे आपको लगातार ये क्लासें मिलती रहे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम आपका, जैसा कि हमने आपसे बोला हुआ था कि हम आपकी क्लास मंडे से स्टार्ट कर देंगे, तो आज है मंडे, आज से आपकी क्लास शुरू हो रही है, आज से आपकी क्लास शुरू हो रही है, आज मंडे है। हमने आपको आपसे बोला हुआ था कल की वीडियो में कि कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी बात, हम क्लास 12th की बायोलॉजी पहले स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12th बायोलॉजी पहले स्टार्ट कर रहे हैं, इसे पहले पढ़ाएंगे और फिर आप बताना मुझे कैसा पढ़ाएं, हम उसी हिसाब से चलेंगे, क्योंकि पढ़ना तो आपको है, पढ़ाना मुझे है, ठीक है। तो आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में जनन किस प्रकार से होता है, जीव जनन किस प्रकार से करते हैं, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखना कि जो भी हम पढ़ाएंगे, जो भी इस बोर्ड पर पढ़ाएंगे वो सभी एनसीईआरटी बेस होगा। जो भी आपको इस बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा वो सभी एनसीईआरटी बेस होगा। और आपको पता है कि एनसीईआरटी पूरे देश में लागू है, चाहे आप एमपी से बिलोंग करते हो, राजस्थान से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी हो, ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी, क्योंकि सभी में एनसीईआरटी लागू है, ठीक है, सभी में एनसीईआरटी लागू है। तो एनसीईआरटी बुक ही आपको पढ़ना है, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सबसे पहले आपको आज क्या करना है, दो बुक खरीद लो, 11th और 12th की दोनों की बुक खरीद लीजिए, बायोलॉजी की 11th और 12th दोनों की बुक खरीद लो। और 12th की जो बायोलॉजी की बुक है वो अपने सामने लेकर बैठे, जो भी हम पढ़ाएंगे, थोड़ा गला काम नहीं कर रहा है जो काम की वजह से, तो एक बात ध्यान में रखना मेरी कि 12th की बायोलॉजी लेकर बैठो और कॉपी पेन लेकर बैठना है। जितना हम इस बोर्ड पर लिखाएंगे उतना आपको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलना है, चीजों को रिवाइज करना है। जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा वैसे ही हम आपका लाइव टेस्ट लेकर आऊंगी। लाइव टेस्ट में आपके सभी क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि हम चीजें पढ़ा चुके पहले से, हम आपको पहले से पढ़ा देंगे, तो आपके लाइव में जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाए वो सही होने चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। देखो इस चैप्टर में आपको दो चीज पढ़ने को मिलेगी, इस चैप्टर में आपको दो चीज पढ़नी होगी। एक सबसे पहले आपको जीवन अवधि, जीवन अवधि क्या है, जीवन अवधि कह दो चाहे जीवन काल कह दो। जो बच्चे 12th की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, यानी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी क्लास इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जीवों में जनन में इस चैप्टर में आपको दो चीजें पढ़ने को मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट या जो पार्ट है वो जीवन अवधि या जीवन काल,
जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लाइफ स्पेन। क्या कहा जाता है? लाइफ स्पेन। दूसरा आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा जनन, जनन या प्रजनन। जनन कह सकते हो या प्रजनन कह सकते हो, एक ही बात है। जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। दो चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा जीवन अवधि क्या कहते, किसे कहते हैं, जीवन काल किसे कहते हैं। दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार का होता है। ये चीज आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, दो या तीन दिन में इस चैप्टर को हम फिनिश कराने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी बात को यहाँ करते हैं कि जनन, जनन भी दो प्रकार का होता है, आपको पहले से पता है, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन। इसे इस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला जो पॉइंट हमारा रहेगा वो जीवन अवधि किसे कहते हैं, जीवन काल क्या है, जीवन काल क्या है। तो देखो, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर यदि किसी का जन्म हुआ है, इस पृथ्वी पर यदि किसी का जन्म हुआ है, चाहे कोई जंतु हो चाहे कोई पादप हो, उसकी मृत्यु होना तो निश्चित ही है। उसकी मृत्यु होना कैसी है, निश्चित ही है। इस पर किसी का भी जन्म, प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहता है, ये भी एक निश्चित है, ठीक है। प्राकृतिक मृत्यु उसकी होती है, यदि प्राकृतिक मृत्यु तो वैसे भी होती है। तो जीवन अवधि की परिभाषा आपको क्या पढ़नी है, जीवन अवधि किसे कहते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो बात करते हैं जीवन अवधि क्या है। तो देखो, जीवन अवधि का मतलब है किसी जीव की, यदि किसी जीव का जन्म हुआ है, किसी जीव का यह जन्म हुआ है यानी बर्थ हुआ है, तो उसकी मृत्यु होना तो तय ही है। तो जन्म होगा और जन्म के बाद उसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। और मृत्यु वो भी कैसी, प्राकृतिक, प्राकृतिक मृत्यु की बात कर रहे हैं। ऐसे कोई मर जाए एक्सीडेंट किसी हिसाब से उसका हो जाए तो उसकी बात नहीं कर रहे, प्राकृतिक मृत्यु की बात कर रहे हैं हम। तो जन्म और मृत्यु के बीच का, जन्म हुआ आपका उसके बाद आपकी मृत्यु होगी, तो जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, जन्म और मृत्यु, जन्म हुआ जन्म से लेकर और मृत्यु के बीच का जो समय है, उसे ही जीवन काल कहते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है, जीवन काल। यानी कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय है, उसे ही जीवन काल कहते हैं, उसे ही जीवन अवधि कहते हैं, उसे ही लाइफ स्पेन कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे बर्थ, बर्थ के बाद आपकी क्या होगी, डेथ होना ही निश्चित है। बर्थ के बाद आपकी क्या होगी, डेथ होगी, तो डेथ होना ही आपकी क्या है, निश्चित है। तो बर्थ और डेथ के बीच का जो समय है, उसे ही जीवन काल कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। और आपको पता है मृत्यु, देखो जन्म होगा, देखो कुछ अवस्थाएं आती है जो हम आपको बता देते हैं। देखो अवस्थाएं क्या होगी, सबसे पहले आपका क्या होगा, जन्म होगा, सॉरी, सबसे पहले आपका क्या होगा, जन्म होगा। और जन्म के बाद आप, जन्म के बाद आपकी किस अवस्था में आओगे, शैशवावस्था में आओगे। यानी कि एक बच्चे छोटे शैशवावस्था आएगी आपकी, क्या आएगी, शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद फिर आप किस में आओगे, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है। इन सभी अवस्थाओं से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और बाल्यावस्था के बाद आपकी क्या आती है, युवावस्था आती है, वयस्क हो जाते हो, एडल्ट युवावस्था आती है। युवावस्था के बाद आपको पता है प्रौढ़ावस्था आती है, कौन सी अवस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, जिसे कहते हैं जीर्णावस्था भी कह सकते हैं, बुढ़ापा कह सकते हैं, बुढ़ापा तो सभी को आना है, ठीक है। और प्रौढ़ावस्था के बाद फिर उसके बाद क्या होती है, आपकी मृत्यु होती है, वो भी मृत्यु जो होती है वो कैसी होगी, प्राकृतिक, ठीक है। ऐसे नहीं कि अचानक तो आप खत्म हो, कभी भी किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अधिकांश जो है वो मृत्यु जो होती है वो प्राकृतिक होती है, ठीक है। तो जन्म से लेकर और प्राकृतिक मृत्यु के समय का बीच का जो समय, आप इन अवस्थाओं से गुजर के जाओगे, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में जाओगे, फिर मृत्यु आपकी होगी। तो इस बीच का जो समय है, ये बीच का जो समय है, इसे ही जीवन काल कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। और ये परिभाषा आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, आप कॉपी खोल के, किताब खोल के देखिए, उसमें ये परिभाषा दी हुई है, जन्म से लेकर और मृत्यु के बीच का जो समय है, उसे ही हम जीवन काल कहते हैं। देखो, जीवन अवधि का कोई आकार से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। जीवों के जन्म से उसकी मृत्यु तक, परिभाषा यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जीवों के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है।
जीवों के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु का यह काल उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं, जो हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे आपकी बात है यहाँ प्रवास आप लिख लेना है, शॉर्ट में लिख लेना, जन्म से लेकर मृत्यु तक के, प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय है उसे ही जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, अब बात करते हैं कि यदि जीवन अवधि है तो क्या उसका कोई आकार है? ऐसा नहीं है कि जैसे एक तोता देख लिया, तोता को देख लिया, कौआ को देख लिया जाए। जैसे हम बात करते हैं कि एक कौआ है और एक आपका तोता है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे एक हम बात करते हैं कौआ यानी कि क्रो है, दूसरा हमारा पैरट है यानी कि तोता है, इनका आकार देखा जाए तो लगभग समान है, इनका आकार या देखा जाए तो कैसा है, समान है, लेकिन इनकी जीवन अवधि है वो अलग अलग है। इनका जो जीवन काल है, जो लाइफ स्पेन है, वो आपकी कैसी है, अलग अलग होती है। कैसे अलग अलग है, भले ही आकार समान है, जीवन अवधि है वो आकार पर निर्भर नहीं करती है। आप सोचोगे हम बहुत बड़े बलशाली हैं और कोई छोटा है, छोटा रह जाए तो आप सोचोगे नहीं वो पहले खत्म हो जाए, हम तो बहुत बलशाली, हम तो बहुत दिनों बाद खत्म होंगे, तो ऐसा नहीं है। जीवन अवधि है वो आकार पर निश्चित नहीं होती है, आकार पर निर्भर नहीं होती है, सॉरी, जीवन अवधि है वो आकार पर यानी साइज पर निर्भर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, कैसे देखो, जैसे कौआ और तोता की बात कर ली जाए, क्रो और पैरट की बात कर ली जाए, तो कौआ का जो जीवन काल होता है वो 15 साल होता है, लगभग 15 साल होता है। तोता का देखा जाए तो 140 वर्ष होता है, कितना होता है 140 वर्ष यानी कि 140 साल होता है। ठीक है, ईयर कह सकते हो, ईयर 140 होता है। तो भले ही इनकी आकार समान है, भले ही इनका आकार समान है, लेकिन इनकी जीवन अवधि है वो कैसी है, अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके आकार पर, जीवन अवधि है वो आकार पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ये बात आपको, जैसे आम और पीपल को देख लिया जाए, आम का वृक्ष जो होता है वो आम और पीपल का वृक्ष है वो लगभग समान ही होते हैं, उनकी आकार देखा जाए तो लगभग समान होता है, लेकिन आम का जो जीवन काल है वो कम है और पीपल का जो जीवन काल है वो बहुत ज्यादा है। इस प्रकार से आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जीवन काल किसे कहते हैं। कोई जीव यदि किसी जीव का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है, लेकिन इसमें भी अब आपका अपवाद है, इसमें भी आपका अपवाद है। ऐसा अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं हम आपको, अब हम आपको जो भी पॉइंट बताएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको बताया कि इस पृथ्वी पर जो भी जीव जन्म लेगा, इस पृथ्वी पर जो भी जीव जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो होनी है। जो भी जीव जन्म लेगा यदि कोई भी जीव होगा यदि वो जन्म ले रहा है इस पृथ्वी पर, तो उसकी मृत्यु होना निश्चित ही है। मृत्यु होना कैसी है, निश्चित है, उसकी मृत्यु होगी, कोई भी जीव अमर नहीं है। लेकिन एक अपवाद है यहाँ पर भी, और ये अपवाद से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में वो हम आपको बता रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है जो आपसे पूछा जा सकता है। यदि इस पृथ्वी पर किसी ने जन्म लिया है तो उसका क्या होना, मृत्यु होना निश्चित ही है, कोई अमर नहीं होता है, इमोर्टल नहीं होता है, उसकी मृत्यु ही होगी। अमर को इंग्लिश में कह सकते हैं इमोर्टल, जो मरा ना, मरने वाला ना हो, इमोर्टल। ठीक है, इमोर्टल, उसकी मृत्यु होना क्या है, निश्चित ही है। तो देखो यहाँ पर एक अपवाद है, अपवाद हमारा क्या है कि ऐसा माना जा रहा है, आपकी एनसीईआरटी बुक भी ये बात लिख रही है कि अपवाद ये आपका कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, कौन से जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव, जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, आपको पता है जीव हमारी पृथ्वी पर दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, सिंगल सेल वाले और मल्टी सेलर यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऐसा माना जाता है कि आपकी एनसीईआरटी बुक भी ये लिख रही है
कि जो एक उसके जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, अमर होते हैं, वो कभी मरते नहीं है, इमोर्टल होते हैं कि वो मरते नहीं है। कैसे नहीं होते, मरते नहीं है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक खुद लिख रही है कि एक कोशिकीय जीव जितने भी होते, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नोट करके लिख लेना वहां पर कॉपी पर, पूछा जाए कि ऐसे कौन से जीव हैं जो मरते नहीं है, जिनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, ऐसे कौन से जीव हैं जिनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। तो आपका आपको याद कर लेना है कि जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, इनकी प्राकृतिक मृत्यु उनकी नहीं होती है। कैसी मृत्यु नहीं होती है, कैसे नहीं होती है, देखो ये भी हम आपको बता देते हैं, उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, ठीक है, जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब बात कर लेते हैं एक कोशिकीय जीव होते कौन कौन से, एक कोशिकीय जीव है वो आपके होते, जितना भी हम लिखे इसे नोटबुक में नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। देखो शुरुआत हो रही है तो थोड़ा चीजें समझने में टाइम लगेगा, तो आप समझते हुए चले, लिखते हुए चले, ना समझ में आए तो पूछते हुए चले, ठीक है। और बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं कि एक कोशिकीय जीव होते कौन कौन से, इसने बताया गया अपवाद है कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो प्राकृतिक मृत्यु उनकी नहीं होती है। कैसे नहीं होती है ये समझ लो, एक कोशिकीय जीव इनकी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे आपका अमीबा हुआ, क्या हुआ अमीबा, नाम सुना होगा, बहुत ही सूक्ष्म जीव है, समुद्र किनारों पर पाया जाता है, पानी में रहने वाला जीव है, और इसकी आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती है, ठीक है, इसकी आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। अमीबा है आपका, पैरामीशियम है, कौन सा है पैरामीशियम है, पैरामीशियम के बाद आपका इगुलिना है, कौन सा है इगुलिना, इगुलिना के बाद आपका जीवाणु है, कौन सा है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, इगुलिना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है, ये पॉइंट आप लिख सकते हो, इगुलिना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। देखो जो भी पॉइंट मैं यहाँ बता रही हूँ वो सभी पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, एक भी पॉइंट आपको छोड़ के मत जाना, आगे जो आगे की जो चीजें हम बताएंगे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइफ स्पेन किसकी कितनी होती है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोशिकीय जीवों की बात कर ली जाए तो अमीबा है आपका, पैरामीशियम है, इगुलिना जिसे पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है, पादप और जंतु के बीच की कनेक्टिव कहा जाता है, लिंक कहा जाता है इनको, क्योंकि इनमें पादप के भी लक्षण पाए जाते हैं इसमें इगुलिना में, और जंतु के भी लक्षण पाए जाते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसे पादप, इसमें जंतु के भी लक्षण होते हैं, पादप के भी होते हैं, पादप के कैसे होते हैं, जब तक ये सूर्य का प्रकाश रहता है तब तक तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश नहीं है तो ये क्या करता है, दूसरे जीवों को भी खा लेता है, दूसरे जीवों को भी खींचकर खा लेता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि इगुलिना जो है वो पादप और जंतु दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसे पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है। और पैरामीशियम जो होता है ये भी एक कोशिकीय जीव है जिसकी आकृति जो होती है वो चप्पल की तरह होती है, कैसी होती है, चप्पल यानी स्लीपर के आकार का, जिसे स्लीपर जंतु कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है पैरामीशियम को, तो ये पैरामीशियम का दूसरा नाम है स्लीपर जंतु, क्या कहा जाता है इसे स्लीपर जंतु के नाम से इसे जाना जाता है, इसकी आकृति जो होती है वो चप्पल की तरह होती है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद कर सकते हो। जीवाणु आदि, ये सभी जीव जो होते हैं वो कभी मरते नहीं है, इन्हें अमर कहा जाता है, क्या कहा जाता है अमर, इन्हें क्या कहा जाता है अमर कहा जाता है, इनकी कभी मरते नहीं है, इनकी कभी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। कैसे नहीं होती है तो देख लो ऊपर, थोड़ा हम आपको समझा देते हैं, जनन के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो आप लोग पढ़ते हुए चलना मेरे साथ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर एक बात क्लियर आपकी हो चुकी होगी कि जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, उनकी कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, वो अमर होते हैं। कैसे होते हैं अमर होते हैं, अमर जीव भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अमर जीव है, निम्न में से कौन सा अमर जीव है, तो आपको ऑप्शन में दिया जाए तो आप पहचान सकते हो क्योंकि हमने आपको बता दिया है। तो जैसे आपका अमीबा है एक अमर जीव है, पैरामीशियम है एक अमर जीव है, इगुलिना आपका अमर जीव है, जीवाणु एक अमर जीव है, और कुछ शैवाल आपके, कुछ शैवाल जो होते हैं वो भी आपके एक कोशिकीय होते हैं। यहाँ याद कर सकते हो कुछ शैवाल, कुछ एल्गी,
सैवाल को इंग्लिश में कहा जाता है एल्गी, ठीक है। कुछ सैवाल जो होते हैं वो भी आपके कैसे होते हैं, कुछ सैवाल जो होते हैं वो भी आपके एक कोशिकी होते हैं। तो जितने भी एक कोशिकी जीव होते हैं वो सभी आपके कैसे होते हैं, वो अमर होते हैं। कैसे होते हैं अमर, उनको कहा जाता है इमोर्टल कहा जाता है, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। कैसे नहीं होती है ये समझ लो। तो देखो इन एक कोशिकी जीवों के नाम तो आपको पता चल गए। अब यहाँ पर जैसे हम बात कर लेते हैं अमीबा की, देखो इनमें एक द्रव्य होता है कायिक द्रव्य। जैसे हम बात करते हैं अमीबा की, किसकी बात करते हैं अमीबा की, कैसे नहीं देखो इनकी मृत्यु क्यों नहीं हो पाती, क्यों नहीं होती है। तो ये इस प्रकार से अमीबा का चित्र है, ये अमीबा जो अमीबा का चित्र है वो अमीबा जो होता है वो उसकी आकृति जो होती है वो अनिश्चित होती है, कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। तो आप किसी प्रकार से इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा बना सकते हो, ठीक है। तो अमीबा में ये है केंद्रक, क्या ये हमारा केंद्रक है, और ये उसके अंदर भरा हुआ है क्या कोशिका द्रव्य, यानी कि द्रव्य जो जनन जो द्रव्य है उसके अंदर वो इसके अंदर भरा हुआ है। ये इसकी कोशिका कला है, ये इसकी क्या है कोशिका झिल्ली है, कोशिका कला है। अब बात करते हैं कि इसकी मृत्यु क्यों नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, ये अपनी ये इसका जो केंद्रक होता है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ जो अनुवांशिक पदार्थ है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है ये अपनी थोड़ी वृद्धि करता है, वृद्धि करता है तो उसमें प्रजनन, इसमें क्या होता है अलिंगी जनन होता है। जितने भी ये कोशिकीय जीव होते हैं उसमें क्या होता है अलिंगी जनन होता है। तो ये क्या करता है अपने आप इस ये इसका केंद्रक है उसमें विकास होता है, क्या होता है विकास होता है। तो ये दो भागों में बट जाता है, कितने भागों में बट जाता है दो भागों में। थोड़ा चित्र सही दो, कला मेरी थोड़ा ज्यादा अच्छी नहीं है फिर भी कोशिश करती रहती हूँ कि अच्छी करने की, ठीक है। तो कला के कला को नहीं देखना मेरी, पढ़ाई को देखना। तो ये क्या है जैसे ये केंद्रक किसका है, जो केंद्रक में क्या होगी वृद्धि होगी और वृद्धि होने के बाद क्या है केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाएगा। कितने भागों में दो भागों में, दो भागों में ये विभाजित होगा। तो इससे क्या होगा यही जो कायिक द्रव्य जो इसमें भरा हुआ है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा, यानी कि अमीबा से ट्रांसफर दूसरे जीवों में होगा लेकिन इसकी मृत्यु नहीं हो रही है। देखो मृत्यु नहीं हो रही है, यही आपके दो भागों में बट गए। अब क्या हुआ यही आपके दो भागों में बट जाएंगे तो एक अमीबा ये बन के तैयार हो गया और एक अमीबा आपका ये बन के तैयार हो गया, जिनको कह सकते हैं पुत्री कोशिका, पुत्री सेल, पुत्री कोशिका इनकी डॉटर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है डॉटर सेल, इनको डॉटर सेल कहा जाता है, ठीक है, डॉटर सेल के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनका क्या हुआ कि इनका केंद्रक थोड़ा विकसित हुआ, दो भागों में बटा। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि इनकी मृत्यु नहीं हुई है, इनकी मृत्यु नहीं हुई है, इन्होंने अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसे दूसरे जीवों अपने ही भाग को दो भागों में बांट दिया, यानी एक से कितने बन गए दो बन गए, लेकिन इनका जेनेटिक मटेरियल खत्म नहीं हुआ, ये खत्म नहीं हुए। तो यहाँ से ये निश्चित हो रहा है कि इनकी मृत्यु नहीं होती है, ये प्राकृतिक मृत्यु इनकी नहीं होती है, ये अमर होते हैं, ठीक है। तो एक अमीबा से कितने अमीबा बन के तैयार हो गए, दो अमीबा बन के तैयार हो गए। इनमें चलने के लिए क्या पाया जाता, तो गति करने के लिए इनमें कूटपात पाए जाते जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि अमीबा में चलने के लिए या गति करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इनके पास क्या होता है, गति करने के लिए इनके पास क्या होता है। तो अमीबा के पास गति करने के लिए क्या पाया जाता है, इनके पास ये आपको संरचना दिखाई दे रही है इस प्रकार से, इनको कहा जाता है कूटपाद। क्या कहा जाता है कूटपाद कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्यूडोपोडिया। क्या कहा जाता है स्यूडोपोडिया, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है स्यूडोपोडिया कहा जाता है, जिनकी सहायता से ये क्या करते हैं गति करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि इनकी मृत्यु नहीं हुई है बल्कि ये दो भागों में विभाजित हो गए। इसी प्रकार से पैरामीशियम होता है, इसी प्रकार से ग्लीना, इसी प्रकार से आपका जीवाणु होता है। तो इनमें क्या हुआ विभाजन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल चुका होगा कि एक कोशिकीय जीव जितने भी होते हैं वो हमारे उनकी मृत्यु नहीं होती है, वो प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, अमर होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी लाइफ स्पेन की, किसका जीवन काल कितना होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, जो भी एनसीईआरटी में लगभग 14-15 जीवों के नाम दिए गए हैं और वो 14-15 जीवों के नाम आपको पता होने चाहिए। आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलो, उसमें दिए हुए हैं, ठीक है।
तो वो 14-15 जो भी जीव है उन सभी के नाम हम यहाँ पर लिख ही देते हैं और उनका जीवन काल भी लिख देते हैं। एक साइड आपका जीव है, जीव का नाम है, ऑर्गेनिज्म का नाम है, और दूसरी तरफ आपका क्या है, दूसरी तरफ उसका जीवन काल, उस दूसरी तरफ आपका क्या है, जीवन काल है। इसे नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। जीवन काल कितना, जीवन काल है उसका लाइफ स्पेन है, ठीक है, उसका जीवन काल कितना है। जीवन काल तो समझ ही चुके होंगे कि किसी जीव का मृत्यु से, जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो समय है उसे ही जीवन काल या जीवन अवधि या लाइफ स्पेन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं किसका कितना है। जैसे हम अपना देखें, मेरा जन्म हुआ, जन्म से लेकर मृत्यु होगी, तो हम लोग 50 साल तक जीवित रहे तो यही हमारा जीवन अवधि है, ये हमारा क्या है, जीवन अवधि है। जैसे कौवा का 15 साल है तो 15 साल उसका जीवन काल है, ठीक है। हाथी का कितना होता है, बरगद का कितना होता है, बटरफ्लाई का कितना होता है, ये चीज हमें यहाँ पर आपको बताएं। कुत्ता का कितना होता है, रोज का कितना होता है, ये आपको सीखना होगा। तो जैसे मेरा जैसे 50 साल है तो 50 साल नहीं हम जियेंगे, ज्यादा जियेंगे क्योंकि आपको पढ़ाना है, तो 50 साल नहीं और भी ज्यादा जीना है मुझे। तो देखो यहाँ पर हम जीव का नाम लिखेंगे, इधर जीवन काल लिखेंगे। जैसे हमने इधर लिखा हाथी का, हाथी का जीवन काल कितना होता है, तो हाथी का जो जीवन काल है वो माना जाता है 60 से लेकर 75 साल तक, 75 ईयर्स तक, ठीक है। उसी प्रकार से हम देख लेते हैं किसका, हम एक बार हम सभी को लिख देते हैं तो आप आसानी से उतार सकते हो। तो देखिएगा हमने आपको बता दिया हाथी का कितना होता है, तो हमने एक बार भी सभी लिख दिए जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए और आपका टाइम भी ज्यादा खराब ना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम सभी को एक बार बता देते हैं, हाथी का जो जीवन काल होता है वो 60 से 75 वर्ष होता है, लगभग 60 से 75। देखो कुछ जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई लगभग 14-15 और एक दो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा भी लिखे हुए, वो भी हम आपको बता देती हूँ। एक दो हमने एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहे हैं कि एग्जाम में पूछे जा सकते, वैसे पूछे नहीं जाएंगे फिर भी आपको पता होना चाहिए। और एक बात और आपसे बोलना चाहती हूँ, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बायोलॉजी विद आरती, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे जरूर ज्वाइन करें क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है एग्जाम संबंधित या कोई भी वीडियो हमें कब डालनी है, कब आ रही है, ये सब टाइम टेबल उस पर आपको मिल जाता है और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन उस पर मिल जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, इसका नाम है बायोलॉजी विद आरती यादव, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इनका जीवन काल, तो ये देखो हाथी का आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक खोल के देखना आप अपनी, हाथी का दिया है, गुलाब का पूछा गया, गुलाब का जीवन काल होता है वो लगभग 10 वर्ष होता है, कितना होता है 10 वर्ष, ठीक है, कितना होता है 10 वर्ष। कौवा का पूछा जाता है, कौवा का होता है 15 वर्ष। तोता यानी पैरट का होता है 140 वर्ष। घोड़ा का दिया हुआ है 60 वर्ष लगभग। चावल यानी राइस प्लांट, इसका याद कर लेना इम्पोर्टेंट है, इसका भी 3 से 4 महीने। देखो एनसीईआरटी बुक में जो भी दिया हुआ है वो सभी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे और आपको एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है या एग्जाम को निकालना है। एनसीईआरटी बुक ही आपके लिए काफी है, उसे ही आपको पढ़ना है। यदि आपके पास नहीं है एनसीईआरटी, कोई दूसरी बुक है तो आप उसे पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें भी वो सभी पॉइंट मिल जाते हैं, लेकिन उससे एक्स्ट्रा ज्यादा होता है उनमें, तो एक्स्ट्रा चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी और कुछ नहीं होता है। एनसीईआरटी में थोड़ा कम दिया हुआ है, तो आपके पास कोई बुक नहीं, एनसीईआरटी नहीं है तो आप अपनी बुक वही खोल के रख ले जो आपके पास है। चावल का जीवन काल होता है 3 से 4 महीने। कुत्ता का होता है 25 से 30 वर्ष, कितना होता है 25 से लगभग 30 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद केला का उसमें दिया हुआ है, केला का होता है 25 वर्ष, कितना होता है 25 वर्ष। फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई का जो जीवन काल होता है वो 2 सप्ताह होता है, कितना होता है 2 सप्ताह। फ्रूट फ्लाई का जो जीवन काल होता है वो आपका कितना होता है 2 सप्ताह होता है। बनियान ट्री, बरगद का जो पेड़ है उसका 200 से लेकर 300 वर्ष होता है, कितना होता है 200 से लेकर 300 वर्ष, ठीक है। उसके बाद कछुआ की, ये भी आपका दिया है एनसीईआरटी बुक में, तो जो कछुआ होता है इसका जीवन काल 100 से लेकर 150 वर्ष होता है। मगरमच्छ का जीवन काल 60 वर्ष होता है। गाय का जीवन काल 20 से 25 साल होता है, यस, ठीक है, 20 से 25 साल। पीपल का पूछा है, पीपल का उसमें दिया नहीं है लेकिन आपको पढ़ना है। पीपल का होता है 2000 से 3000 साल, बहुत ज्यादा होता है इसका तो। और सिकोया, सिकोया जिसे कहा जाता है रेड वुड ट्री, रेड वुड ट्री सिकोया नाम का एक वृक्ष है जो सबसे लंबा ऊंचा वृक्ष माना जाता है, जिसका जीवन काल होता है 300 से लेकर 400 वर्ष। इसका जो ऊंचाई है, हाइट जो है, बोला वो 350 के करीबन है, सबसे ऊंचा वृक्ष माना जाता है ये।
तो आपसे पूछा जाए कि सिपोया का जीवन काल कितना होता है, तो सिपोया का जीवन काल है वो 3000 से 4000 वर्ष होता है। तो ये तो जीवन काल है, ये एक्स्ट्रा दो है पीपल का है सिपोया का है, ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दी, शेष आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए है। फ्रूट मिलाई का 2 सप्ताह होता है, इसे याद कर लेना। और चावल का होता है 3 से 4 महीना, तोता का होता है 60, तोता का यहाँ पर हमने तोता का 1 से 40 वर्ष है, और घोड़ा का आपका है वो 60 वर्ष है, हाथी का आपका 60 से 75 वर्ष होता है। तो ये आपका था जीवन काल, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कल की वीडियो में, आज की वीडियो में यहीं पर फिनिश करते हैं। कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार का होता है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन की सबसे पहले बात करेंगे, अलैंगिक जनन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे खासे पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम आपको बताते हुए चलेंगे, आपके क्वेश्चन जो पूछे गए वो भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो कल की क्लास में इसी बोर्ड पर आपको मिलेगी, और कल की क्लास में हम आपको बताएंगे जनन किसे कहते हैं। आप पढ़ के आइएगा, किताबें पढ़े, थ्योरी को जरूर पढ़िएगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए थ्योरी पढ़ने की, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के बाद उसके क्वेश्चन से लगाओ, आपका वो चैप्टर है वो 100% अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और आपको बताना होगा एक क्वेश्चन है हमारा, आपको पीपल का वैज्ञानिक नाम बताना होगा, पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एक क्वेश्चन आपको ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना होगा, दूसरा क्वेश्चन बताया होगा कि अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये हम आपको बता चुके हैं क्लास नंबर 2 में। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना होगा बायोलॉजी शब्द किसने दिया है, बायोलॉजी जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया, और वो वैज्ञानिक जो है वो कहाँ के रहने वाले है। ये 2-3 क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और चौथा क्वेश्चन एक और है, जीवन अवधि किसे कहते हैं, आज की क्लास में जो हमने बताया हुआ है जीवन अवधि किसे कहते हैं, लाइफ स्पेन क्या है, इसकी परिभाषा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखनी होगी, देखिए कौन अच्छा सबसे लिखता है, कौन सबसे अच्छा आंसर देता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करेंगे, कल की क्लास में हम आपको क्या पढ़ाएंगे बता दिया है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। और फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास के लिए हमने आपको बता दिया कमेंट बॉक्स में, उसमें लिंक डाली हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे चेक करें और वहां से अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास को ज्वाइन कर लें आज से ही। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।